हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिक्स नोट 12 5G में आप वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी वॉलपेपर्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वॉलपेपर शो हो जाएंगे। आपको जो भी वॉलपेपर सेट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है तो वो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर पे क्लिक करके आपको और भी वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी वॉलपेपर सेट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप होम स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले वाली ऑप्शन होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। अगर आप लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। अगर आप दोनों स्क्रीन पर एक ही वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर देना है तो वो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वॉलपेपर्स, यहाँ पे क्लिक करके आप लाइव वॉलपेपर्स भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन वॉलपेपर्स, यहाँ पे क्लिक करके आप और भी वॉलपेपर्स डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हैं।